हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज ने खबर प्रमुखता से उठाई थी, देश इस वक्त एबीपी न्यूज देख रहा है, आपकी हर बात तक पहुंचेगी। प्लीज मेरे कैमरे के करीब आइए, थोड़ा सा जाएं जी, प्लीज प्लीज समझिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप इतने बड़े राजनीतिक दल जी, जैन जी, जैन जी, जैन जी, जी जी, जैन जी, जैन जी, किस जी जी जी, बस बस, किस उद्देश्य से आए? देखिए, उद्देश्य क्या हो सकता है इसमें, हमारे यहाँ आके क्या होगा? अपना एक तरह से जो संवेदना है उनको हम व्यक्त करना चाहते हैं, और जो हमारे संस्कार रहे हैं कि दुख बांटने का काम होता है, किसी के साथ बुरा बीता है, जो कुछ भी इस परिवार के साथ हुआ, आपने बहुत बहादुरी से देश को दिखाया, सरकार की कोशिश रही कि मीडिया को दबाया जाए, आज भी आप देख रहे हैं क्या नाकाबंदी है, यहाँ जो लोग आए हैं मेरे साथ जो आए हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या है, कोई अपराधी नहीं, यहाँ कोई भड़काने नहीं आ रहा, ज्यादा से ज्यादा किसी के आंसू ही तो पोंछना चाह रहे हैं। 144 है यहाँ, 5 से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं है, अचानक से भीड़, एक मिनट बात करनी थी सर, देश सुन रहा है उनको। देखिए, जब मैं वहाँ बैरिकेड पे पहुंचा तो ये मुझे भी मालूम है कि 5 लोगों की अनुमति उस स्पॉट तक, उस गांव तक जाने की दी गई, मुझे इन्होंने खुद स्वयं निकाला बैरिकेड से, आपने देखा, इन्होंने खुद निकाला, उसके पश्चात उन्होंने जो बल प्रयोग किया दुर्भाग्यपूर्ण, स्वयं निकाल के, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, के अंदर हम सबके ऊपर बल प्रयोग किया है, वो तो जब भगदड़ मची है, बैरिकेड भी खुला है, भगदड़ मची है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण है, बल प्रयोग बिल्कुल जो है किसी भी सभ्य समाज में इसकी जगह नहीं होती। आपसे बात करना चाह रही थी, डर लगा उस समय तो लगा कि ये तो सर फूट जाएगा या आग फूट जाएगी, वहाँ बैठना पड़ गया मुझे, नहीं तो लेकिन ज्यादा कर, नहीं ज्यादा सुनिए, एक नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, आज आज देखिए, आज तो आपकी मौजूदगी बहुत है, आज तो 5 लोग आते हैं, क्या नहीं हुआ उसके कोई मायने नहीं है। मैं आपसे कह रही हूँ कि धारा 144 लगी है, कोरोना काल है, तो 5 लोग आ जाते क्या दिक्कत है? आपकी तो मौजूदगी अपने आप में बहुत बड़ी है। देखिए, मैं 5 प्रतिनिधि मंडल एक जिम्मेदार सदस्यों को लेकर ही गाँव में जाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ अभी भी आपके साथ खड़ा हूँ, हम लोग कहीं भाग के नहीं जा रहे, ये तो यहाँ बल प्रयोग हुआ क्योंकि व्यवस्थाएं कंट्रोल में नहीं रही इनके, लेकिन जो कुछ भी आज हुआ या हमारे किसी कार्यकर्ता पे लाठी भी लगी हो तो उस बात को लेकर वो रो नहीं रहा, हमारी कोई शिकायत नहीं, सवाल ये कि जो उस परिवार के साथ हुआ वो दोबारा किसी के साथ ना हो। 2019 में उत्तर प्रदेश में 3000 दर्ज हुए हैं, तो योगी जी इस पर जवाब दें, इसी उद्देश्य से आज हम लोग आए हैं, लोगों का ध्यान केंद्रित हो कि उत्तर प्रदेश में जो बदहाली है, जिस तरह से आम जनमानस सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा, और इस सब के बावजूद हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वे बड़े बड़े दावे करते हैं।